यूपी के कासगंज जनपद से खबर सामने आई है, जहां ढोलना थाना क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने 36 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है। जुआरियों के कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा, लाख रुपए की नकदी, कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बता दें कि जुआ व सट्टा होने की पुलिस कप्तान को लगातार शिकायतें मिल रही थी। पुलिस कप्तान ने सदर सीओ व सहावर सीओ की देखरेख में टीमों के साथ की गई कार्रवाई, थाना ढोलना के ग्राम नगला रज्जी में घर के अंदर का मामला बताया जा रहा है। यहाँ 36 जुआरियों को पुलिस ने जुए के फड़ के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। कासगंज जनपद से संवाददाता फहीम अख्तर की रिपोर्ट। देखिए, जुआ सट्टे की जितनी भी शिकायतें पुलिस को प्राप्त हुई है, ताबड़तोड़ उस पे न दबिश न डालते कई सारी इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही है। कल जो है एक विशेष टीम बनाकर सीओ सहावर, सीओ सिटी के नेतृत्व में, कुछ अन्य थाना अध्यक्षों के नेतृत्व में टीम जो है वो बनाई गई थी, और एक जगह पे जहाँ पे जुआ हो रहा था लगभग 35 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है। उस तमंचे वहाँ से न प्राप्त हुए हैं, साथ ही में लगभग 1,25,000 रुपए उसमें न प्राप्त हुए हैं, 20 बाइक और अन्य चीजें इसमें से प्राप्त हुई है। इनके ऊपर उचित धाराओं में विधिक न कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। सर, इतने बड़े स्तर पर किसकी सह पर जुआ हो रहा था वहाँ? देखिए, इसकी जांच मैंने सेटअप कर दी है। इसकी जांच एडिशनल एसपी महोदय को दी गई है, वो संपादित इस जांच को करेंगे। जो भी व्यक्ति इसमें लिप्त होगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।